हमें साला एक छोटा सा काम करने को बोला, वो भी नहीं जमा। अच्छा क्या तुमने जो इसे कुत्ते की मौत मारा? बहुत अफसोस की बात है, लेकिन नसीब के आगे किसकी चलती है? चाचा रोना भी है लेकिन जीना भी तो है आगे। अपने आप को कभी अकेला नहीं समझना। मैं हूं ना, मैं हूं। मेरा बच्चा था, मेरे वार्ड का बच्चा था, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी चाचा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं चाचा, एक पुलिस वाले ने ऐसा काम कर दिया। सबर करो, सबर करो। अभी उम्री क्या है तुम्हारी? सारी जिंदगी सामने पड़ी है, क्या करें? खुदा की मर्जी। बुला लिया ऊपर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दो चार दिन में आंसू सूख जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। मैं हूं ना, मैं हूं। बैठो, बैठो। क्या सलीम भाई, यहां भी शुरू? क्या करे जोशी साहब, वो अपना था तो ये भी तो अपनी ही हो गई ना। अपनी चीजों की हिफाजत तो खुद को ही करनी पड़ती है ना जोशी साहब। वेल, आपको क्या लगता है, जो आपने किया वो सही किया? जी हाँ। मिसेज लोहार, आपको क्या लगता है कि 1972 में अपने पड़ोसी देश के साथ जो शिमला समझौता हुआ था, उसका आज भी कोई महत्व है? बहुत महत्व है सर, बल्कि उसी समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंध सुधर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ कमी रह गई? यहाँ भी और वहाँ भी। दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में ये भूल गए हैं कि उनके इस रवैये से पूरे दक्षिण एशियाई रीजन को कितना नुकसान पहुँच रहा है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि दोनों को अगर खुद को तबाही से बचाना है तो शिमला समझौते का पालन करना ही पड़ेगा। विमेंस लिबरेशन के बारे में क्या सोचती हैं आप? इम्पोर्टेड विमेंस लिबरेशन हमारे यहाँ नहीं चल सकता। मिसेज लोहारा प्लेन से आई थी कि ट्रेन से? ट्रेन से। जिस ट्रेन से आप आई थी उसका बोगी नंबर क्या था? S27943। अगर मैं आपको प्रपोज करूं कि आज रात आप मेरे साथ कहीं डिनर पर चलें, तो आपके हस्बैंड को बुरा तो नहीं लगेगा? दामाद आपका है, बुरा लगने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। क्या नंबर बताया था आपने बोगी का? S27945। अभी तो आपने 7943 कहा था। ऐसे स्टूपिड सवालों का ऐसे ही जवाब दिया जाता है। गुड। रागिनी कब तक आएगी? आएगी एक दो दिन में। दुख होगा उसे बहुत? हाँ, दुख तो तब होता जब बेवा हो जाती है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, अब तुझे भी मेरी बातें बकवास लगने लगी? हाँ, निकल यहां से, क्यों आया है? तेरी बकवास सुनने, कल तू रिजॉइन होने वाला था, रीइंस्टेटमेंट का लेटर भी मिलने वाला था, ऊपर से नया लफड़ा लेकर बैठ गया। अरे और कितने साल फोकट में मैं तेरे केसेस लड़ता रहूं? हाँ, वो मेरी मुझे मार देता तो तू छूट जाता, तो उसे गिरफ्तार करके अंदर डाल देता। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे खत्म कर देता। सब साजिश है, पूरा फोर्स करप्ट है साला। हाँ, हाउ कैन यू से दैट, फोर्स में तो तू भी है ना। हाँ, देख रहा है ना उसके साथ क्या हो रहा है, साले तेल लगा के मार रहे हैं। यश, ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। एक हवलदार जिसकी तीन जवान बेटियां होती है शादी के लायक, 1800 रुपए में क्या कर सकता है? क्राइम को रोकने के लिए उसके हाथ में क्या थमाते हैं? एक डंडा, AK-47 का वो सामना कैसे करेगा? सुबह जब वो ड्यूटी पर निकलता है घर से तो उसे यकीन नहीं होता कि शाम को वापस आएगा घर पे। वो ड्यूटी पर मर गया तो क्या कॉम्पेंसेशन देते हैं उसको, उसकी फैमिली को? 20,000, 25,000, 30,000। यश, वो भी जीना चाहता है। हाँ, तो अपना घर भरने के लिए घुस खाएगा, बेईमानी करेगा, ईमान बेचेगा। साला फोर्स ज्वाइन करते हुए मालूम नहीं था कितनी तनख्वाह मिलती है। जंगल का कानून है ये, गुंडों से बचना है तो पुलिस के पास जाओ, पुलिस से बचना है तो गुंडों के पास जाओ, दोनों से बचना है तो पॉलिटिशियन के पास जाओ, क्योंकि इनकी लगाम उसके हाथों में जब जैसे मौका हो वैसे हाथ हिला देता है। तूने तो तीनों से दुश्मनी मोल ले ली है, एक भी घर खुला नहीं छोड़ा है। अरे कौन से घर की बात कर रहा है तू? साले मेरे घर में मुझे मुर्दा बनाना चाहते हैं। कौन से घर की बात कर रहा है तू? गुंडों के या मेरे करप्ट कलीग्स के या ये पॉलिटिशियन के जो साले दिन दहाड़े खून पीते और डकार तक नहीं लेते? तो सरता है यहाँ पर, पैर पर कुल्हाड़ी मारकर दौड़ने के सपने देखता है। मार मार। हाँ, मैं मर जाऊंगा तो तेरा क्या जाएगा? तुझे ढोने वाला एक कंधा कम हो जाएगा और क्या होगा? लाखों मरता है एक और।
साला दुनियादारी के नाम पे मुझे बेईमानी सिखाता है, लॉयर बनता है, साला कानून पढ़ाए के नकल करके पास हुआ, जहां जाके पढ़ सीपीसी सेक्शन नंबर 299 एंड 300, पढ़ जाके राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सेप्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 300, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा तेरे उसूलों की नहीं जाना, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। हाँ हाँ मार डाल, लेकिन पहले जाके साइन कर, टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ 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 नीचे इधर साइन कर, कुत्ते की दुम है तू, 100 साल नली में रहेगी फिर भी सीधी नहीं होगी। जा चढ़ा सिगरेट दे, सुधरेगा नहीं तू, हाँ तू सुधरेगा नहीं कभी। क्या साला इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया तू, नोटों से तेरा मुंह भरता हूँ किस लिए? हो जाएगा, फिलहाल तू उसे मर्डर के केस में अंदर किया है ना? अंदर किया ना, अंदर ही रहना चाहिए, क्या समझा? इत्मीनान रखो सलीम शेख, अब वो बाहर की हवा में कभी सांस नहीं ले पाएगा। सर क्या हुआ रे? यशवंत के लॉयर ने बेल के लिए अप्लाई किया है, लगता है उसे बेल मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना, मैं तेरा पेटी उतरवा देगा, याद रखना। Where are your papers, Mr. Vikram? Thank you, sir. Vikram, जैसे ही वो आदमी गिरा, इंस्पेक्टर दोषी आया, उसके पीछे पुलिस आई, मुझे लेके गई। जोशी ऊपर ही था, मैं जब गया वो आदमी जिंदा था, उसके बाद डेड डिक्लेयर किया गया। मैंने उसे नहीं मारा, ये साजिश है। अब क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, पर सजा नहीं होने दूंगा मैं। बकवास मत कर, मेहरबानी कर रहा है, सजा नहीं होने दूंगा। चलता हूं। खाना खा के जा। नहीं वो तैयारी करनी। अच्छा भाभी चल। क्या हुआ हा? अरे कुछ केस है ही नहीं, मैं छूट जाऊंगा। देखो अब तुम मामूली औरत नहीं हो, डेप्यूटी कलेक्टर हो, समझे?